यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए बेलारूस ने पुतिन की सेना के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया था और बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करते हुए रूसी सैनिक यूक्रेन में घुसे थे। हालांकि बेलारूस ने इस कार्रवाई में अपने सैनिकों को नहीं उतारा था। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा था कि हम यूक्रेन युद्ध में नहीं उतरेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लुकाशेंको ने रूस को समर्थन दिया हुआ है और यही वजह है कि आज रूस के परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात हैं, जिनको लेकर लुकाशेंको का कहना है कि अगर हमारे ऊपर आक्रमण हुआ तो हम अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, भले ही वो रूस के परमाणु हथियार ही क्यों न हो। दरअसल बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में यूक्रेन को दो टूक कहा है कि यूक्रेन युद्ध को पहले भी टाल सकता था और अब भी टाल सकता है। लुकाशेंको का कहना है कि यूक्रेन और रूस को कब्जे वाले इलाके जिन पर रूसी सेना का कब्जा है, जैसे दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, क्रीमिया और खेरसोन को लेकर क्या फैसला करना है, ये दोनों देशों को देखना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम बैठकर इन सभी पक्षों पर बातचीत कर सकते हैं और यूक्रेन बिना किसी शर्त के बातचीत शुरू कर सकता है और यही एक कूटनीति का तरीका है। लुकाशेंको ने आगे कहा कि अगर यूक्रेन अपनी जिद पर अड़ा रहा तो वो एक इंच भी जमीन नहीं बचा पाएगा और इसलिए शांति के रूप में हमें अपना पहला कदम बढ़ाना है। हालांकि यूक्रेन अपनी जिस जमीन के लिए लड़ रहा है और जिन्हें वो अपना समझता है, उन्हें हासिल करने का दूसरा तरीका हो सकता है। आपको बता दें कि लुकाशेंको का यह इशारा क्रीमिया की तरफ था, जिसे रूस ने 2014 में यूक्रेन से तोड़कर अपने में मिला लिया था और अब यूक्रेन भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि 2014 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यूक्रेन के जिस वजूद को मान्यता दी थी वो उसे दोबारा हासिल करेगा, जिसमें क्रीमिया की आजादी भी शामिल है। लुकाशेंको ने एक इंटरव्यू के दौरान एक सनसनीखेज खुलासा भी किया। उन्होंने कहा कि पुतिन का उनके पास फोन आया था, जिस दौरान पुतिन ने उनसे उन्हें कवर करने की बात कही थी। पुतिन को डर था कि कहीं पश्चिमी देश उनकी पीठ में छुरा ना घोंप दें और मैंने उन्हें आश्वस्त किया था कि बेलारूस की जमीन पर हम रूसियों को मरने नहीं देंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि बेलारूस शुरुआत से ही रूस का बेहद ही करीबी है और उसे अरबों डॉलर की सहायता पुतिन की सरकार से मिलती है। हालांकि बेलारूस का कारोबार यूक्रेन से भी होता था, लेकिन अब बेलारूस का आरोप है कि यूक्रेन ने उसके खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए। लुकाशेंको का कहना है कि यूक्रेन ने बेलारूस के खिलाफ वॉरफेयर को शुरू किया। यूक्रेन ने आर्थिक युद्ध बेलारूस के खिलाफ शुरू किया। यूक्रेन ने हमारे विमानों को अपने आसमान में उड़ने की परमिशन नहीं दी। यहाँ तक कि ओडेशा पोर्ट पर खड़े बेलारूस के हजारों माल लदे वैगन को भी यूक्रेन ने जब्त कर लिया और इतना सब करने के बाद भी यूक्रेन उल्टा हमारे ऊपर युद्ध शुरू करने का आरोप लगा रहा है।